तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है जुम्मा, मैं नमाज पढ़ के आ चुका हूँ। आज हमारी यहाँ हमारी मम्मा, आज पानी आ रहा था तो मम्मा ने बोला कि आज ब्लैंकेट धो लेते हैं। ब्लैंकेट इतना भारी हो गया है और अब मम्मा धुलेगा भी नहीं है। कोशिश करते हैं। और यहाँ पे सारे कपड़े भी धो लिए हैं, मम्मा ने कपड़े भी धो लिए हैं। और यहाँ पे अभी मोटर रुकी हुई है, पानी भर चुका है। आज तो पूरा घर फैला हुआ है, मगर मम्मा फिर भी खाना बना रही है। तो मम्मा आज खाने में आप क्या बना रही है? कोफ्ते बना रही है। आज आप मम्मा कोफ्ते बना रही हैं, पहली दफा मम्मा ग्लैंडर मशीन ट्राई करेंगी। आपको कैसी लगी मम्मा ग्लैंडर मशीन? अभी नहीं करी ट्राई। कमरा वगैरह हमारा सेट है, कमरा और बाहर में मैंने सही कर दिया था, मगर ये पानी आया ना टंकी भरी तो सारा खराब हो गया है यहाँ का। किचन में मैंने समेट दिया था तो मम्मा ने सारा फुलावा कर दिया। गैस देखिए कितनी सी आ रही है, ठंडे पानी से नहाया हूँ मैं। यहाँ पे ग्लैंडर लगा दिया है और ये ग्लैंडर, इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं। मम्मा अरे मुझसे तो फिक्स नहीं हो रहा। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं करता हूँ। आ गई आप। वोट लगाना पड़ेगा, वोट लगाना पड़ेगा, तार छोटा है। घर का आवाज आ रही है, अभी हम ये वाला छोटा वाला ट्राई कर रहे हैं। ये तो कैसा हो गया, हमारी मम्मा चला रही है। तो अभी हम इसमें कीमा कर रहे हैं, मगर ये हो नहीं रहा है। कुछ फंस गया, क्या हो गया भाई, क्या बीमारी हो गई? बाहर ट्राई करते हैं। ओके लगो। अरे वहाँ बेजाता हो रहा है हमारा। अरे भाई कैसे ग्लैंडर ला के दिए, सही नहीं लगा। पोपट करा रहे हैं तुम्हारा। अब क्या करें, देखते हैं भाई। गाइस हमने तो सोचा था कि ग्लैंडर आ गया है तो काम आसान हो जाएगा। चल रही है। सही नहीं फिट रही है ना। अबे चले। तो गाइस हमारे साथ एक सीन हो गया है, ये जो हमारे कटर है ये जाम है और मम्मा इसको घुमा रही है। सही कर रही है मगर ये सही नहीं हो पाएगा। अगर ये सही नहीं हुआ ना तो पापा से बोलेंगे इसको चेंज करवा दें। अब देखते हैं, जल्दी लगाए मम्मी, वीडियो बड़ी होती है। ये खराब है माँ, इसने इतना सा कीमा नहीं वो नहीं कर पाई, तो ये इतना सारा कीमा कैसे करेगी? हमारा मुश्किलों से ब्लैंकेट धुल चुका है, हमने बहुत मुश्किलों से ब्लैंकेट धोया है और इसको धोने में बहुत टाइम लगा है और ये पूरे कपड़े भी खराब हो गए, पूरे गीले हो गए। और अभी भी पानी आ रहा है, ऊपर की टंकी भर रही है, खाली हो गई थी क्योंकि पारस भाभी ने भी कपड़े धोए, हमने भी कपड़े धोए, हमें कल भी कपड़े धोने, क्योंकि आज तो हमने इस इल्लत को धोया है, इसको धोने में इतना टाइम लग गया। जूसर मशीन का ये हाल है कि इसका जो होता है ना, क्या नाम है, घूमने वाला वो ना जाम हो गया। शायद ये सही करवाने लेके जाए पापा, क्या इसको चेंज करके आएगी शायद,
मैं तो बोल रहा हूँ मम्मा को इसको चेंज ही करवा दे तो अच्छा है, क्योंकि अगर ये देखो अभी तक तो हमने इस्तेमाल नहीं करी थी, पहली दफा हमने इस्तेमाल भी करी और चीज़ भी खराब है, तो चेंज ही होगी मेरे ख्याल से। तो गाइस हमने कोफ्ते बना लिए हैं, यहाँ पे हमने सब बना के रख दिएंगे, मसाला भी हमने पीस लिया है, सारा काम हमारा हो गया है। चावल हमारे चूल्हे में पतीली में रखे हुए हैं, आटा गूंद चुका है, मगर हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही इस वक्त, तो भी हम वेट कर रहे हैं कि जैसे गैस आए तो हम खाना बनाएं। और हमने सफाई भी कर ली है पूरे घर की, सब धुलाई बुलाई हो गई है, ब्लैंकेट भी हमने बड़ी मुश्किल से धोया है अभी सुबह नहीं गए हुए, तब आते हैं तो फिर देखते हैं गैस आएगी तो खाना बनेगा वरना बाजार से आएगा। भाई मैंने जैसे 12 बढ़ के आ चुका हूँ, मैंने यहाँ पे देखा है कि गैस नहीं आ रही है, तो फिर मैंने पेट्रोल डाल के लकड़ियाँ वगैरह यहाँ पे पेटियाँ वगैरह जलाई हैं, एक 5-10-12 रोटियाँ बन जाए, यहाँ पे मम्मा रोटियाँ बना रही हैं, थक गए मम्मा, वहाँ से बेल बेल के ला रही हैं, यहाँ से मैं सेक रहा हूँ। मैं बोला ये भी गाइस को दिखा दूँ, यहाँ पे उज़ैफा बैठे हुए हैं, सबको मैंने ऊपर भेज दिया है क्योंकि उज़ैफा एक साइड में बैठा हुआ है, गैस आ ही नहीं रही थी। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ओ भाई साहब ऐसी होती है ना, थोड़ी होगी। चलो मैं रोटियां बनाने के आपको बात मिलते हैं। और यहाँ पे कोफ्ते आलू भी सही से नहीं बने, आलू कटे रखे हुए हैं और गैस चली गई है और कोफ्ते जल चुका है। हमने फाइनली रोटियां बना दिए हैं और पूरे घर में धुआं भर गया है। और अभी हमने कोरमा रखा है कोरमा बनने के लिए, वो कोफ्ते बनने के लिए रखे हैं। और आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं, क्या हालत हो रही है मेरी, मैं अपनी खुद देखता हूँ क्या हालत हो गई, आंसू ऐसे निकले हैं, ओ भाई बहुत खतरनाक हालत हो गई, और कचरा भी कुछ ज़्यादा ही हो गया। अच्छा मम्मा आपके घर में भी आज गैस के परेशानी है, तो ऐसा करके कुछ चूल्हा बनाए और क्या नाम है रो रो के अपना खाना पकाए। देखिए हमारी मम्मा ने सफाई कर ली है और मैंने आग भी जला दी है। और कोरमा मैं आपको दिखा देता हूँ, कोफ्ते मैं दिखा देता हूँ, कोफ्ते पक चुके हैं, पक रहे हैं और वहाँ पे चावल पक रहे हैं। आज हमने बहुत मेहनत करी, अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।